अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 6 अगस्त को 500 रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत शिलान्यास करेंगे। डीआरएम ने स्टेशन का निरीक्षण भी कर लिया है। बता दें कि बनमनखी में भी अमृत भारत स्टेशन के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को 500 रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9:30 बजे से 12 बजे तक शिलान्यास करेंगे। इसमें एक स्टेशन बनमनखी भी है और यह गौरव की बात है। पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए समस्तीपुर रेल प्रमंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव स्पेशल सैलून से बनमनखी स्टेशन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आगामी कार्यक्रम को देखते हुए डीआरएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने बनमनखी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम के उद्देश्य बन रहे मंच पंडाल को देखकर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि 3000 लोग यहां पंडाल में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए तुरंत जगह को चेंज करने और स्टेशन के बाहर खाली जगह पंडाल लगाने का निर्देश जारी किया। बनमनखी स्टेशन का विकास करने के लिए, ठीक है, तो 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। कार्यक्रम हम लोग का होगा 9:30 बजे से और करीब 12 बजे तक होगा, जिसमें शिलान्यास का कार्यक्रम 10 बजे से जो है 10:50 से प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। बेसिकली जो स्टेशन कॉम्पाउंड है, स्टेशन बिल्डिंग डेवलप होगी, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एस्केलेटर प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 लिफ्ट यहाँ पे प्रपोज्ड है, और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होगा 120 मीटर का आगे, नए भवन होंगे 84 मीटर लंबा और एक रोड और उसके ऊपर 50% में रहता रहेगा, 12 मीटर की एसी भी होगी, और ये प्लेटफॉर्म का प्रॉपर हाई लेवल ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा। हाई डिस्क की रेस करेंगे हम दोनों, हाई डिस्क करेंगे और सरफेस वगैरह इसका भी इंक्लूड करेंगे, और 2 लिफ्ट किए जाएंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म, 2 लिफ्ट किए यात्री सुविधा यहाँ और दोनों प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को कहा कि पंडाल में अच्छी तरह से व्यवस्था करें, और इस अवसर पर वरीय मंडल अभियंता संजय कुमार, वरीय मंडल विद्युत अभियंता भीमसेन सिंह, स्टेशन अधीक्षक चंद किशोर, IW प्रकाश चंद्रा, IPF इंस्पेक्टर निरंजन कुमार उपस्थित थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बाहर व्यवस्था करें ताकि अधिक से अधिक लोग वहां बड़े ही आराम से व्यवस्थित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन को देख भी सके। बनमनखी के लिए भी यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लेकिन स्वयं उद्घाटन करेंगे और बनमनखी एक आधुनिक स्टेशन के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। आधुनिक स्टेशन के रूप में उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ ओवरब्रिज से लेकर तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी और यात्रियों को एक ठंडा पेयजल से लेकर शौचालय तक और आवागमन के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलेगी। देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन होने के बाद इस स्टेशन का हाल क्या होता है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।